पाकिस्तान के साहिलों पर फैले मैंग्रोव्स दुनिया के सातवें बड़े साहिली जंगलात हैं। ईरान और भारत तक फैली सरहदों पर राज करने वाले ये मैंग्रोव्स न सिर्फ इंसानों, जानवरों और निबाताती हयात के लिए अहम हैं, बल्कि मकामी मईशत का दारोमदार भी इन्हीं जंगलात पर होता है। शदीद सर्दी से बचने के लिए हर साल हजारों परिंदे साइबेरिया जैसे दूर दराज इलाकों से हिजरत करते हैं। ये परिंदे जिन रास्तों पर सफर करते हैं, इनमें से एक रास्ता इन्हें पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर फैले जंगलात तक भी ले आता है। ये हयात दोस्त जंगल इन परिंदों को पनाह देते हैं। उकाबनुमा इस शिकारी परिंदे को भी जो ऊंची जगहों पर अपना ठिकाना बनाता है, और उन छोटे परिंदों को भी जो खुद को कभी जंगल के बीचों बीच और कभी दलदली किनारों के करीब छुपा लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये पिलौर जो हमेशा छोटी लहरों के बाद साहिल पर आने वाले छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है, और ये यूरेशियन मुर्गा भी जो अपनी लंबी चूंच की मदद से दलदली जमीन से भी अपनी खुराक ढूंढ निकालती है। जब लहरें बुलंद होती हैं और साहिल की दलदली जमीन पानियों से भर जाती है, तो ये परिंदे मैंग्रोव के दरख्तों की शाखों को अपना घर बना लेते हैं, मां सिवाय बगलों के जो इन गहरे पानियों से भी अपना शिकार ढूंढ लाते हैं। बलूचिस्तान का सोमियानी साहिल फ्लेमिंगोस का मस्कन भी है। हमेशा झुंड की सूरत में रहने वाले ये परिंदे सारा दिन साहिलों की दलदली जमीन पर घूमते फिरते हैं। इनकी टेढ़ी चोंच एक छलनी की तरह मटियाले पानी को छानती है और इसमें से खुराक के छोटे छोटे जर्रे तलाश कर लेती है। फ्लेमिंगोस के छोटे छोटे बच्चे सुरमई रंग के होते हैं, लेकिन अच्छी खुराक खाने के बाद ये तेजी से बढ़ते हैं और बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह गुलाबी हो जाते हैं। यूं तो फ्लेमिंगोस इंसान का भी मरगूब शिकार है, लेकिन इन्हें दूसरे जानवरों से भी खतरा होता है, खास तौर पर गीदड़, जो रात के अंधेरे में फ्लेमिंगोस खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। लेकिन इन्हें लुकमा-ए-तर समझना भी गलत होगा। असल में फ्लेमिंगोस तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, और फिर इनका आपसी इत्तहाद भी मिसाली है। इसे कुदरत का कमाल कहिए कि उसने मैंग्रोव्स और मेहमान परिंदों को एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम कर दिया है। मैंग्रोव्स सख्त सर्दी से सताए इन परिंदों को महफूज ठिकाना देते हैं, और जवाब में ये मेहमान परिंदे पानियों पर जमी एलजी और ऐसी आबी हयात को साफ कर देते हैं जो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो मैंग्रोव्स का दम ही घुट जाए। Mm-hmm.